मोदी अज हिंदू राष्ट्र की गल कर रहे हैं, बीजेपी आर एस एस कर रही है पूरे मुल्क नूं हिंदू राष्ट्र बनाउणा है, कदे अपने चैनलां ते चलाउंदे हो? जवाब दिने लखां मतभेद ने पंजाब लई इक होना चाहुंदे आ। एक मिनट जी मैं दिना भाई जवाब खड़ जा नहीं मैं मेरा जवाब ले लो। आनंदपुर साहब के मते की गल हुंदी है, आनंदपुर साहब के मते च की है कि किसानी की गल नहीं, कि साडे नौजवानों के रुजगार की गल नहीं है, कि साडे पानियां की गल नहीं, साडी बोली की गल नहीं, साडी धरती की गल नहीं। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੀਟ ਨੈਸ਼ਨ पर जवाब भी दें संजीदगी जवाब नहीं 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 कोई नहीं सामने रखना चाहना कि ये बॉडी वालों वो चीजा स्पॉन्सर किया गया सपोर्ट किया गया डिफेंड किया गया। अगर कितने कोई स्लोगन लगे ने देखो भीड़ दे विच कई तरह के किसी के मुर्दाबाद नारे लग सकते किसी के जिंदाबाद के नारे लग सकते ने देखो जी राजनीतिक पार्टियां ने सिरां दी गिनती दी पॉलिटिक्स कर रही राजनीतिक पार्टियां ने सिरां दी गिनती दी पॉलिटिक्स करनी है हुण उहनां नूं लोक हितां लई कोई मतलब नहीं क्योंकि असीं 17 सालां तों देखदे आउणे आ किसे ने लोकां दे हितां दी गल नहीं कीती कीती हुंदी तां इत्थों तां ही पहुँचदा ही नहीं सी। सो हुण पंजाब दे लोक पंजाब दे नौजवान किसान भी बड़े जागरूक आ इस गल नूं समझ लगे आ भी राजनीतिक पार्टियां आपदा झंडा छड के इस संघर्ष च आ के जे साडे नाल बैठण नूं तैयार आ जे किसान जथेबंदियां दे झंडे हेठां बैठण नूं तैयार आ
एकजुटता करन तैयार आ तो दे आर मोस्ट वेलकम असि तो लामबंद ही करने ना लोग ही जोड़ने ना नाल इस संघर्ष हां जी भाई एक मेरा जवाब ले दो तुसी गल भाई एक मिनट दीप हां जी हां जी तुसी गल खालिस्तान दी वार वार करदे आ मोदी अज हिंदू राष्ट्र की गल कर रहा है बीजेपी आरएसएस कर रही है पूरे मुल्क नूं हिंदू राष्ट्र बनाउणा है कदे अपने चैनलों से चलाउंदे हो नहीं नहीं आ पिया नहीं पर एक मिनट मैं एक होर दी गल नहीं 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 भाई एक मिनट नहीं गल लेट मी आंसर योर क्वेश्चन आ गल की हो रही है पंजाब दे अक्के दी गल हो रही है आ आंसर सी साडे नाल हां भाई मैं बोल मैं बोल पाकिस्तान दे नाल और कोई मुद्दा नहीं है हां जी थोड़ा जवाब देने हैं प्लीज भाई फायदा नहीं इस टॉपिक पे गल करन दा हां जी दीप कोई फायदा नहीं इस टॉपिक पे गल समझ अडानी अबानी जो वे घर का बाइकॉट करो आही गल ही बोले हैं उत्थे मतलब साडा जो डायरेक्शन आ साडी सेम ही आ वक्री गल आ कि असीं मिले नहीं सी हाँ खून गर्म आ चलो यंग ब्लड आ साडा ते उन्हां दे तजर्बे दा बहुत फर्क आ किसी ने जे कोई माड़ी मोटी उच्ची नीवी गल करती मैं सारे प्रेस नूं रिक्वेस्ट करदा कि तुसीं साडे नाल खड़ो उन्हां गल्लां नूं देखो अगे भी तुसीं बहुत कुछ इग्नोर करना पैंदा इग्नोर करो उस चीज़ नूं और जिहड़ी अपनी मेन लड़ाई आ आपां उही लड़ीए प्लीज़ उसे ते ही फोकस करो और उही साडा मैसेज लोकां तक पहुँचाओ तां बाहली वधिया गल आ जी पर इक गल आ जी जवाब भी दे जवाब दिने भाई जी गल एक मिनट पहला इधर जवाब दे इधर जवाब दे क्योंकि कोई गल नहीं आप सवाल का भी जवाब देवे थोड़े का भी देवे इस गल भी संबोधन किया जाऊगा पहली गल तो हाँ जी खेती लाहेबंद मॉडर्न इकोनमी जे असी कंसिडर करिए ना तो इकोनमी का एक स्ट्रक्चर इकोनमी पहला एग्रीकल्चर इकोनमी तो इंडस्ट्री इकोनमी बनती है इंडस्ट्री तो सर्विस इकोनमी बनती है पर पंजाब नू सिर्फ एग्रेरियन मॉडल तक ही सीमित रखा गया जान के सेंटर ते स्टेट रिलेशनशिप पढ़ांगे आपां इह गल समझ आऊगी सानू पंजाब नू कदे भी इंडस्ट्री इकोनमी बनाया ही नहीं गया तो सर्विस इकोनमी तक जे असीं जाने आ साडे तो जे पूंजीपति इत्थे आ जाणगे सानू कदे कोई वड्डे एजुकेशनिस्ट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं दिते गए सानू कोई जदों वड्डे होटल साडे कोले है नहीं टूरिज्म साडे कोले है नहीं तो सर्विस इकोनमी भी है नहीं अज पंजाब कोले सिर्फ एग्रीकल्चर इकोनमी आ साडी 55% इकोनमी एग्रीकल्चर ते निर्भर आ ते साडे लई तां इही लाहेवंद आ ना जे इहदे ते सानू आके सट मारनगे असीं किवें सहांगे खेती तो बिना किवें कल्पलांगे पंजाब नू साडे तां ढिड किसानी भरदी आ सो साडे लई लाहेवंद आ जी क्योंकि सानू अगे जाण ही नहीं दिता गया अगली गल खालिस्तान की गल करदे आ
गल जदों खालिस्तान की होंगी आ या किसी सैपरेट स्टेट की होंगी आ क्यों होंगी आ जदों लोगों च तनाव ते टकराव पैदा होंदा वो सरकार दियां गलत नीतियां दे करके पैदा होंदा सरकार अज पार्लीमेंट च बैठ के कानून बनाई जांदी आ किसान सड़कों पर रुली जाते कंगना का छज्जा ढा देंगे उन्होंने तो नैशनल मीडिया ए चला जिमें पता नहीं किड्डा क वड्डा जल जुलम तो जबर हो गया पर किसानां दियां जे हड्डियां तोड़ते सड़कों पर उन्होंने कोई दिखाता नहीं सो फिर मैं दसो नहीं भाई जी तुम दिखाया नैशनल मीडिया की गल करो मैं ठीक है आप दिखाने ही पंजाब वाले हुण जे असी कहने साडे नैरेटिव साडे बिरतांत नूं किसानां ने अज कहा साडे ढिड्डां ते गल आ गई साडी जमीन ते गल आ गई तुसीं साडे गलां तक लै आए हो कबरां च धक्की जांदे हो सरकार लई किन्ना ईजी आ सानूं रैडिकल कहना किन्ना ईजी आ सानूं देशद्रोही कहना जे असीं उहनां लई सरहद ते बंदूक फड़ के जांदे आ लड़दे आ ते सानूं कहिंदे आ जय जवान जे असीं आपदे हक मंगदे आ अज जय किसान क्यों नहीं कह रहे अदरवाइज सानू अज अतवादी कह देंगे सानू खालिस्तानी कह देंगे सानू सैपरेस्ट कह देंगे सानू पाकिस्तानी कह देंगे सानू देशद्रोही कह देंगे तुसीं आपदे हक मंगण निकलो तो सही आ देखो की करते हैं ये सरकारां करदियां साडियां सेजां तो नहीं हुंदा असी ना एक्सट्रीम लैफ्ट जाने ना एक्सट्रीम राइट जाने असी सेंटर च रहने असी मानवता की गुरु नानक साहब के फलसफे की गल करते हैं सरबत के भले की गल करते हैं इतू बिना कोई गल नहीं की जाती सो अगला सवाल बिलकुल जी इस गल इस गल विचारना पेगा इस गल पुराने वर्तारिया तो सीखना पेगा साढ़े बहुत उभार आए पहला सरबत खालसा बरगाड़ी वाला मोर्चा उदू पहला किसानों ने बड़े अंदोलन लड़े आ गोलियां खाधिया डंडे खाधे आ जे इतने साढ़े बजुर्ग बैठे आ इन्होंने जेडे इन्हों को तजर्बे आई नहीं आए हुए भी मीटिंगा चो सीखे इन्होंने हाँ जी एक मिनट इल्जाम जरूर आ मैं तुम्हें जवाब दिना देखो असी हमेशा की हुंदा सब तो बड़ी साड़ी प्रॉब्लम की रही है असी कहने भी आह कानून आ गया चलो कोई नहीं ये माड़िया ही सोधा लै लो या ठीक है अगला कानून आ गया चलो कोई नहीं थोड़ा जहा कॉम्प्रोमाइज कर लें माड़िया ही सोधा लै लो पर एक सिस्टम प्रपैचुएट हो रहा जदों तक यहूदियों को यहूदी देखो जरनल भी रहे बड़े बड़े अहद्या रहे साइंटिस्ट रहे आइंस्टाइन भी यहूदियों चो आया यहूदी जदों तक यही करते रहे भी यार कोई नहीं आ कानून बन गया कोई नहीं यार साढ़े नाल वितकरा नहीं होगा आ माड़ी जी गल मान लें आ माड़ी जी गल मान लें पर एक दिन उन्होंने हॉलोकॉस्ट होया यहूदियों को कतलेआम होया उन्होंने क्योंकि वह माड़िया माड़िया गल्ला मानते रहे सानू समझना पेगा स्पष्टता रखनी पेगी खंडन करना पेगा जी गल सू नहीं अज ठीक लग रही ये सानू पुराने वर्तारिया तो सीखना पेगा दुनिया के बड़े बड़े मूवमेंट्स नू स्टडी करके समझना पेगा फिर साड़ी रणनीति व्यौतबंदी होनी चाहिए आ क्योंकि जिहड़ी धिर नाल लड़ाई आ उत्थे सुप्रीम कोर्ट इलैक्शन कमीशन CBI ये गल्लां दा मतलब नहीं है जो कुछ चलो फिर भी वह लड़ाई सानू लड़नी पैंदी आ पर सानू लड़ाई जनी व्यौतबंदी करनी अज बड़े ढंग नाल ते आपसी संवाद रच के सिर जोड़ के जदों सानू बैठना आ गया ना सानू विवाद तो ज्यादा संवाद करना आ गया कोई ना कोई हल निकले आउणगे हल निकले आउंदे हुंदे एक मैं बेनती करदा एक मेरी गल सुनो एक मिनट मैं बैठा नहीं हैगा एक मिनट मेरी आवाज उधर ही आ जानी है तुसी मेरी गल नहीं वो कैमरा नहीं देख रिया जस कैमरे जो आउदा अच्छा कह जाना अच्छा मैनू एक गल दसो जी आज आपा इथे एक मिनट यार आज आपा इथे इकट्ठे किदे वास्ते होए आ जी खेती वास्ते खेती ते जेड़े साडे बिल लागू करदे उहनां वास्ते ना जी सत मैंबर उन्होंने सत मैंबर साढ़े किमें हो गए साड़ी इंडस्ट्री चो असी उन्हें चार पांच भरा भी नहीं है सत्त भी नहीं पूरे है
जे कल छे कलाकार ने विरोध करता भी यार मैं हर एक सलाह लेनी तो जरूरी है ना जी। पहली मैं ये समझता भी गल इतने सिर्फ होनी चाहिए इन्होंने बिलों की कि साड़ी अगे रणनीति की है असं इन्हों का बाइकट किमें करना है उन्हें दूजी गल नहीं होनी चाहिए। दूजी गल है जी वह सरकार के कम ने वह साडे कम नहीं असं अच्छ किसान यूनियन आके खड़े हाँ ना कि थोनों ये कहना चाहते हैं भी असी आपका फ्रंट कटा तो थोड़े मसले हल करा कल तुम कहोगे जी तुम तो उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये गल कही सी भी असी आह भी मसला हल करावे असी आह भी मसला यदी भी लड़ाई लड़ा असी अपना किता करा कि असी सरकार बनावे ये गल नहीं हैगी। जे अज कोई गल होनी चाहिए तो कल्ली खेती की जेडे ये बिल ने इन च सोध हो सकती है जे रद्द हो सकते हैं उन्होंने गल करिए अज आप कोई होर गल ना करिए पर एक एक गल मैं कहना चाहुंदा भी जिस अपने आर्टिस्टां दी जिवें जस ने गल कीती है कुदरत वल्लों इह साडे जिहड़ा पंजाबी जिन्ना भी इंडस्ट्री है सारिआं च इक आ बहुत आ जदों किसे दा एक गाणा भी आउंदा ना तां सारी इंडस्ट्री शेयर करदी आ और उह रात रात लखां बंदिआं तक सारी दुनिया च पहुँच जांदा कैनेडा अमेरिका जिथे मर्जी ला लो। पर जे हुण जदों चंगा ये सोशल मतलब जो साडा साडे घर दे विच मतलब डाकू वड़ गए उस वेले जो भी इनफॉर्मेशन होगी मैनू लगता नहीं भी कोई भी आर्टिस्ट इस गल तो मना करूगा पर फिर भी साड़ी उन्होंने एक बार जाके गल करनी बनती है कि भरा आ काम आप कर लगे हैं तुम सहमत हो नाल पर मैं इन्ना यकीन है कि कोई भी बंदा इस गल तो मनाही नहीं करूगा। जे असी फ्रंट ही बनाउणा तां फिर असी उन्हां सरकारां दे पिछे ही लग सकदे आ जे इहदे चो राजनीति नहीं होण दवांगे। हां जी दस दिया ओह भी कलाकार है जी जे दलेर मेहंदी ओह सिंधु अपना दा बना के जी उहनां दा सारे कलाकार बाइकाट कर रहे आ और अग्गे भी करांगे उहनां दा सारे कलाकार बाइकाट कर रहे आ अग्गे भी करांगे। इस तों बाद भी जिहड़ा किसानां नाल नहीं चलूगा ओह दा सारे कलाकार बाइकाट कर रहे आ सानूं कोई फर्क नहीं। जे कोई बंदा इदां करदा आ जे कोई बंदा नहीं साथ देना चाहुंदा ओह ओहदी मर्जी आ असीं उहनूं की कहणा असीं कर रहे आ सानूं जो मर्जी करन। पिछले दिनों दे विच इस गल दा इतराज होया कि जिहड़े कलाकार आउंदे ने ओह फोटोआं खिचाउंदे ने सैल्फीआं खिचाउंदे ने ते स्टेज तों बार बार इह कहा गया कि जाबते च रहो एक ढंग दे नाल देखो इन्होंने कलाकारां दे तौर ते साडे नाल कमेटी बन गई नंबर एक नंबर दो जिहड़े कलाकार अपना सनी देओल चोबा मार चोबा मार कि गल कि ला जाने किसान जथेबंदियां ने जी। अगर कोई इस किस्म की गल हुई है किते किसे कलाकार नाल जो इधरों दे टकराई है जी असीं यह कहा कि जदों हुण असीं इकट्ठे होके चलांगे आपस गलबात करके चलांगे एक दूसरे की भाईचारक चलांगे तो अगे तो वह चीज़ नहीं होगी मिटिगेट होगी जे कि होई है तो असीं इकत्ती किसान जथेबंदियां ने उन्होंने महसूस कर लिया। सो इस करके ये जिहड़ी प्रॉब्लम है ਸਿਰਫ
इज्जत नहीं हुई जां कुछ भी होया असी उन्हां भरावां नूं मिलांगे जाके क्योंकि असी इह मुद्दा इत्थे ठाया सी उन्हां ने कहा कि अगे तो यह चीज़ कदे नहीं होगी सानूं थोड़ी लोड़ा सो असी रल के चलांगे जी जी जी।